Good afternoon, everyone. Today, the topic of our lecture is the dose-response relationship. So, we are studying the fundamentals of the radiobiology. So, there are different concepts involved within the radiobiology. What is the dose-response relationship? So, obviously, the name represents dose. So, dose is the radiation dose. And response, by response, we mean the response of the tissues. So, it's like the radiation response on the tissues. So we are looking to all of the relationships that it will be having on the particular tissues. जो हमारा पिछला और ये वाला जो लिंक करेंगे वो उसमें ये है कि जितनी भी हमारे पास रेडियो सेंसिटिविटी है वो ख़ास तौर पर डिफाइन करती हैं पर्टिकुलर टिशू के टिशूज़ क्या रिस्पॉन्स देते हैं. सो इस वजह से जो ये वाला कॉन्सेप्ट है इसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास जितनी भी सेल्स है या ऑर्गन्स है उनकी रिस्पॉन्स क्या है या ऐसी क्या जो हमारे पास फिनोमेना है जिसको वो फॉलो करते हैं. खासतौर के कुछ रूल्स है. द रूल्स आर दीज वन वी कॉल इट द डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप. द आउटकम्स ऑफ दिस लेक्चर विल बी द नेचुरल मैन मेड रेडिएशन विल हैव अ जस्ट ग्राफिकल ओवरव्यू ऑफ इट पिक्चर एक्चुअली. और जो दूसरा हमारे पास है डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप क्या चीज़ है, लीनियर रिस्पॉन्सेज क्या है, नॉन लीनियर रिस्पॉन्सेज क्या है, रिलेशनशिप्स क्या है, इसमें कुछ थ्रेशोल्ड्स भी होते हैं और नॉन थ्रेशोल्ड्स भी होते हैं, वो क्या है. फिर इसमें जो लास्ट में है इट विल बी एस टाइप जिसको हम सिग्मॉइड टाइप कहते हैं रेडिएशन डोज रिस्पॉन्स रेडिएशन जो है वो रेडिएशन डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप. इफ यू कैन सी एट दिस यू नो दिस वेल पर्टिकुलर पिक्चर जो कि इज अ मैप वर्ल्ड मैप. यू कैन सी द साउथ अमेरिका इज देयर, South America, then the Africa, Asia is here, Pakistan is located somewhere here, and then the rest of the countries. So this is the equator that has been showed over here. Ye equator hai. The North Pole and the South Pole, so have a look, there are some of the these green, yellow, and then this particular spectrum that appears. So actually, jo hamare paas North Pole hai, South Pole hai, isme jitni bhi radiation hai, रेडिएशन आके टकरा जाती है. लाइक फॉर एग्जांपल जो हमारे पास कॉस्मिक रेज है तो कॉस्मिक रेज की ये हमारे पास ये ग्राफ है जो हमें बता रही है कि जितनी कहाँ पे ज़्यादा सेवेरिटी है और कहाँ पे ये कम है. अब ये अगर आपने देखा हो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इज़ अ कवरिंग दैट एक्चुअली प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द एक्सटर्नल जो कॉस्मिक रेज है उनसे, क्योंकि सन से भी बहुत ज़्यादा आजकल पिछले दिनों में भी देर ओवर न्यूज़ दैट यू नो देर आर सम ऑफ द सोलर फ्लेयर्स दैट इज़ कमिंग अप, देर आर पार्टिकल्स दैट आर हिटिंग एंड कमिंग टुवर्ड द अर्थ दैट कुड डैमेज द सेटेलाइट्स. वो कह रहे हैं इफ देर इज़ एनी सन स्टॉर्म सो हाउ डू वी आर बीन प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट, इट्स बीन वी आर बीन प्रोटेक्टेड बाई दिस कवरिंग दैट इज बीन फॉर्म बाई द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. तो ये वो हमें बचाती है इससे. अगर आयनाइजिंग रेडिएशन जो पब्लिक को मिल रही है वो किन किन चीज़ों से है, सो सबसे जो मेजर सोर्स है इज़ द रेडॉन, रेडॉन गैस जो है इट्स एन आयनाइजिंग रेडिएशन है. आपको पता है आइसोटोप है रेडॉन का, तो ये दैट इज़ प्रेजेंट इन द एयर. तो ये हमें बहुत ज़्यादा इसमें से मिलती है रेडिएशन. नेचुरल रिसोर्सेज में जो है तकरीबन 82% जो मिलती है वो हमारे पास नेचुरल से मिलती है, जिसमें रेडॉन आ गया, टेरेस्ट्रियल कॉस्मिक इंटरनल और रेडॉन जो कि उसमें मेजर है. तो ये मेजर चंक है तकरीबन इट्स 3.3 मिलीसीवर्ट जो हमें नेचुरली मिल रहा होता है. बाकी हमारे पास मेडिकल प्रोडक्ट्स जो है खासतौर पे आर्टिफिशियल इसको हम कहते हैं, इसको मैन मेड आयनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं या मैन मेड रेडिएशन सोर्सेज कहते हैं, जिसमें मेडिकल एक्सरेज, व्हाई मेडिकल एक्सरेज आर बीन यूज्ड एज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस, गुड फॉर पर्पसेस बट स्टिल इट इज आल्सो गिविंग अ पर्टिकुलर पर्सन स्पेसिफिक रेडिएशन. फॉर एग्जांपल अस वी आर वर्किंग इन अ यू नो ऑब्वियसली इन हॉस्पिटल्स एंड वी आर द रेडिएशन वर्कर. सो हमें एक्सरे से 11% तकरीबन रेडिएशन एक्सरे में जो सीटी है, एक्सरे है, फ्लोरो है, उससे मिलती है. न्यूक्लियर मेडिसिन से 4% है. कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, देयर आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वी आर यूजिंग, इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ आइसोटोप्स वी हैवंट चेक, तो वो मिलती है. देन कॉस्मिक रेज इज फ्रॉम द ऑब्वियसली जो मिलती है, जो हमारे पास रेडिएशन है
अगर हम सन में निकलते हैं तो हम हमारे पास भी इट कैन हैव एन इंटरेक्शन ऑन अस, और जो बाकी नेचुरल रिसोर्स जो 82% बना रही है उसमें रेडॉन 55% से सबसे मेजर है, कॉस्मिक 8% है जो कि अभी मैंने इस पिक्चर में आपको दिखाया, एंड देन देयर आर अदर टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल में क्या है, टेरेस्ट्रियल में ये है कि फॉर एग्जाम्पल वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर द वॉल्स आर मेड ऑफ द ब्रिक्स, चेयर्स है उसको उसमें देखिए आयरन है या लकड़ियाँ हैं, सो ऑल ऑफ दीज कंटेन सम सॉर्ट ऑफ लाइक रेडिएशन, तो इसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल, जो हमें एनवायरनमेंट से मिल रही होती है। एनवायरनमेंट में क्या है, एनवायरनमेंट में हमारे पास ये जितनी भी जहाँ हम लिविंग हमारा एरिया है उस सब में से ज़मीन में से निकल के हमें मिल रही होती है, तो दैट्स द टेरेस्ट्रियल वन। एंड देन सम ऑफ द इंटरनल वन जो कि हमारे पास दिस इज़ फ्रॉम द फूड दैट वी ईट अमूमन, दैट कुड बी द पार्ट ऑफ द इंटरनल। हाउ, फॉर एग्जाम्पल वी ईट वेजिटेबल्स एंड द वेजिटेबल एब्जॉर्ब सम ऑफ द आइसोटोप्स, सो ऑब्वियसली द आइसोटोप्स आर बीन वेल बी देयर, सो उसमें से बहुत सारी वी आर लिविंग इन नेचुरल एनवायरमेंट, तो जितना भी है ये प्रोडक्ट्स फूड जो हम ईट, वी ईट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ऑल ऑफ इट, इट मे कंटेन ऑल ऑफ द यू नो द रेडिएशन, सो एक्चुअली दीज आर द होल सॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज दैट कैन गिव अस अ एक्सटर्नल एक्सपोजर, सो दैट्स वाई what the radiation can cause to us, so it will be explained by the radiation dose response relationship. It's a really biology is a new field still, it's a lot of research has been happening in it, because isme jo basically hai it's quite a century almost ke isme hamare paas knowledge hai, baki agar fields dekhe astronomy quite happening from a lot of thousands of years, एंड लुकिंग इन टू जुआलॉजी एंड बॉटनी एंड ऑल ऑफ इट, सो इट्स हैपनिंग फ्रॉम क्वाइट अ मैथमेटिक्स वगैरह, रेडियोलॉजी इज़ अ न्यू साइंस। सम एक्सपेरिमेंट्स बीन यू नो परफॉर्म ऑन द एनिमल्स टू चेक यू नो टू चेक द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द रेडिएशन, बट वी कांट डू सच एक्सपेरिमेंट्स ऑन द ह्यूमन डायरेक्टली, ऑब्वियसली ह्यूमन इज नॉट फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, एंड ऑब्वियसली एनिमल्स आर नॉट टू, but you know there are ethical you know ethical committees that are allowing, because in order to benefit the humans they are they're allowing it to you know perform such an experiment on the animals. khaas taur pe the interest raised in radiobiology jab hamare paas 1940s mein atomic bomb advent hua, to tab jaake pata chala ke radiobiology mein interest wali baat aa gayi के वट द रेडिएशन कैन कॉज टू द ह्यूमन, सो तब जाके एक्सपेरिमेंट शुरू हो गए। द ऑब्जेक्टिव ऑल बायोलॉजिकल रिसर्च जो है दिस इज़ एक्चुअली फॉर एस्टेब्लिशिंग दिस पर्टिकुलर डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। जितनी भी हमारे पास रिसर्च रेडियोबायोलॉजी में हो रही है इसका एक ही काम है कि हमें पता हो कि कितने रेडिएशन डोज का रिस्पॉन्स क्या है टिश्यूज़ के साथ, कि उस पर क्या असर डाल सकती है, और इट इज़ अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, ख़ासतौर पर ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप है जो ग्राफ्स में हम देखते हैं वेरियस रेडिएशन डोज लेवल इन मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑब्जर्व रिस्पॉन्सेज जो हमारे पास है, सो उसमें कुछ टाइप्स हैं वो हम देखेंगे, लेकिन व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन इट, तो इसका दो इसकी दो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है डिटर्मिनिस्टिक डिटर्मिन द थेरापूटिक ट्रीटमेंट रूटीन फॉर पेशेंट्स इन द कैंसर, खासकर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में जो थेरापूटिक ट्रीटमेंट हम देते हैं ताकि उनमें क्या रिस्पॉन्स है उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं। सेकंड जो हम करते हैं खासतौर पे रेडिएशन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट में इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी हम देखेंगे कि स्टोकास्टिक डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट किस कैसे एक्सप्लेन होते हैं जो हमारे पास रेडिएशन डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप का। सो द मेजर इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन टू द ह्यूमन टिश्यूज हैपनिंग एट द लो डोज एज वेल एज इन द हाई डोज, बोथ कैन बी हैविंग एन इफेक्ट ऑन द ह्यूमन टिश्यूज, बिकॉज देर आर रेडियो सेंसिटिविटी जो कि सम आर वेरी ससेप्टेबल टूवर्ड इट एंड द अदर्स आर यू नो हैविंग अ डिफरेंट रिस्पॉन्स टू इट, सो दे आर बीन रिप्रेजेंटेड बाई टू थिंग्स, वन वी कॉल्ड इट द स्टोकास्टिक इफेक्ट, द अदर वी कॉल्ड इट द डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट। स्टोकास्टिक इफेक्ट बेसिकली द स्मॉलर अमाउंट ऑफ रेडिएशन विच इज हैविंग अ कम्बाइन इफेक्ट आफ्टर ईयर्स ऑफ यू नो आफ्टर ईयर्स लाइक 10 to 20 years
दैट्स कॉल्ड स्टोकास्टिक इफेक्ट. एंड डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट द इफेक्ट हैपनिंग ऑन स्पॉट, उसी टाइम पे आता है, उसको हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट. तो इसको हम लेट इफेक्ट्स या अर्ली इफेक्ट भी नाम देते हैं. सो अर्ली इफेक्ट्स आर डिटर्मिनिस्टिक, लेट इफेक्ट्स आर द स्टोकास्टिक वन. रेडिएशन डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप में दो करेक्टर्स हैं, एक तो लीनियर है या नॉन लीनियर है, या कुछ के थ्रेशोल्ड्स हैं. इसको डिफाइन किया गया है बाय द मैथमेटिकली या ग्राफिकली, लेकिन बेसिकली इसकी जो दो है, लीनियर है कि नॉन लीनियर है, या इसमें एक और भी है कि थ्रेशोल्ड है कि नहीं है. सो ये अब हम ज़रा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. जो लीनियर डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है, सो ये हमारे पास है लीनियर डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप. तो अब जरा ग्राफ को देखते हैं. ऑन द एक्स एक्सिस वी आर हैविंग द डोज एंड ऑन द वाई एक्सिस वी आर हैविंग द रिस्पॉन्स. सो द रेडिएशन एंड रिस्पॉन्स ऑफ द टिश्यूज. सो एज लॉन्ग एज दिस लुक एट द लीनियर वन, इफ यू आर इंक्रीजिंग द डोज सिमिलर गोज द रिस्पॉन्स ऑफ द टिश्यूज. सो जैसे ही डोज बढ़ती जाती है, रिस्पॉन्स उतनी ही ज़्यादा डैमेज जो है वो पर्टिकुलर टिश्यूज के ज़्यादा होते जाते हैं. सो दैट द लीनियर वन. देन वी आर हैविंग दिस सॉर्ट ऑफ अ थ्रेशोल्ड. थ्रेशोल्ड इज समथिंग, इसको बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे कि नथिंग इज हैपनिंग अनटिल इट स्टार्ट टू हैपन. इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज के बाद क्या होता है कि इन्फ्लेक्ट हो जाता है, चेंज हो जाती है. सो इट इज़ समथिंग कि इट इज़ हैविंग ए थ्रेशोल्ड, इट विल हैविंग अ नो रिस्पॉन्स एट ऑल अनटिल इट रीच टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, जो कि इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड. थ्रेशोल्ड के बाद हमें असर नज़र आते हैं चीज़ें. लीनियर डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप हमारे पास लीनियर ही है. लीनियर का मतलब यह है कि जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डोज एंड रिस्पॉन्स ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. एज यू आर डबलिंग द डोज देयर विल बी डबल रिस्पॉन्स. सो इस चीज़ को हम कहते हैं कि लीनियर नॉन थ्रेशोल्ड टाइप, LNT. इस रिलेशनशिप में हमारे पास जो इफेक्ट है ऑफ द रेडिएशन ऑन द टिश्यूज, इट इज़ रिगार्डलेस ऑफ द डोज. डोज ज़्यादा होगा, असरात ज़्यादा होंगे. सो ये नहीं है कि एक स्पेसिफिक डोज तक जाके उधर ही असरात होंगे. नो, द इफेक्ट विल बी देयर. Look at the this particular non-linear dose response relationship. So we are having a graph here जो कि represent कर रहा है dose on the x-axis and you know response on the y-axis. यहाँ पर हमारे पास तीन चार किस्म की हमारे पास lines है. One is A, other is B, C and D. So have a look at A and C. A and C are non-linear, non-threshold, while B is linear. How? Like as long as you are increasing the dose, the response will be there. बट ओवर हेयर आप देखें कि हमारे पास जो ए है, इसमें सडन रिस्पांस ज़ीरो पे कभी कभार रिस्पांस आ जाता है, एंड जैसे ही आप ज़ीरो से आगे जाएंगे सो द रिस्पांस विल बी वेरी अब्रप्ट. फिर आप सी को देखें, सो जैसे ही डोज बढ़ा रहे हैं देर इज़ नो इफेक्ट एट ऑल. वाइल रीचिंग टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, आप जैसे ही डोज ज़्यादा होगा बढ़ता जाएगा, सो देयर विल बी अ रिस्पांस दैट विल बी हैपनिंग. ठीक है, फिर हमारे पास डी है जिसमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, दिस इज अ पर्टिकुलर पॉइंट. इसको फिर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. सो कर्व ए शोज अ लार्ज रिस्पॉन्स रिजल्टिंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल रेडिएशन. हाई रिस्क हाई लेवल ऑफ द कर्व डज नॉट यू नो इफेक्टिव अनलेस द रिलेटिव डैमेज देन द सेम इंक्रीमेंटल डोज एट अ लो लेवल. अब व्हेन यू व्हेन द डैमेज इज देयर while you are increasing the dose, but obviously the damage has happened, so there will be no further damage. It has already happened. Ab curve C jo hai, opposite to that of curve A, low doses pe effect is less, but jaise hi dose increase hoga, there will be effect that will happen. Then we are having a curve C. Here, curve C pe kya hai? Ke humar paas non-linear hai. Have a look at here, threshold non-linear threshold relationship इसको कहते हैं. Non-linear threshold relationship का मतलब यह है कि there is a threshold to it. Threshold का मतलब यह है कि specific point, we call it the inflection point. If you can see, there is a dose DT, no response is measured. Over here, as long as the dose is higher, no response is here. But जैसे ही dose जो है यहाँ DT से above हो रहा है, तो पर इंक्रीमेंट के हिसाब से यकदम हमारे पास क्या है कि इफेक्ट आ रहा है. और फिर क्या होगा कि देर विल बी अ पॉइंट इट विल रीचेस टू इट. सो उसमें फिर और इंक्रीज नहीं होगी, बट स्टार्ट टू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. वो सडन इफेक्ट अगर आप देखें, यहाँ से हम लाइन ड्रा करेंगे
तो दैट इज द सडन इफेक्ट दैट हैपन. आगे अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे सो द इफेक्ट इज नॉट ए मच सडन, बट अभी जाके नीचे आना शुरू हो गया. सो द इन्फ्लेक्शन पॉइंट अगर व्हेन द कर्व स्टॉप बेंडिंग अप, बेंडिंग अप खत्म हो जाता है एंड देन बिगिंस टू बेंड्स डाउन, बेंडिंग डाउन हो रहा है, और इसको हम कहते हैं एस टाइप या सिग्मॉइड टाइप डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप. खासतौर पर दिस इज द नॉन लीनियर थ्रेशोल्ड रिस्पॉन्स रिलेशनशिप. If you can look into this very particular you know graph, we are having the dose at this, and actually the relative risk that is of the leukemia. For example, we are looking into leukemia. So these are the different graphs. While you know measuring, like why I just presented this very particular जो हमारे पास graph है इसमें इस वजह से मैंने present किया है. Okay, we are always looking into different diseases. Like this is the research that has been done. Okay, for example, experiment A हुआ है, experiment B हुआ है, experiment C हुआ है. अगर हम नया कोई टेस्ट कर रहे हैं और ऑलरेडी हमारे पास नॉन फैक्ट्स है इसमें ये रेड है. सो सर्टन टाइम वी आइदर यूज हाई डोज और लो डोज और आइदर द डोज दैट इज बीन लाइक यू नो टू बी टेस्टेड इन. खासतौर पर हम देखते हैं कि हमारे पास रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस क्या है. यू नो हम पढ़ चुके हैं कि रिलेटिव बायोलॉजिकल डैमेज कितना हुआ है. सो इस जैसे रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दैट इज़ इट. थैंक यू.